टेंथ में साइंस में आपको हम फिजिक्स में जो है पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने आपको लास्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ओम्स लॉ के बारे में बता दिया था। ओम्स लॉ में हमने आपको वी अपॉन आई का जो रेशियो होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ तक की जानकारी दे दी थी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो रेजिस्टेंस ही है। आप रेशियो तो जान रहे हैं रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस एक अलग से हेडिंग है और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है आपके कोर्स के लिए भी और आगे चल करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फिजिक्स में। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस होता क्या है, तो किसी भी वायर या कंडक्टर की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। किसी भी वायर के अंदर की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह उसमें फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। याद करिए क्लास नाइन्थ में आपने इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया में हमने बताया था कि किसी भी बॉडी की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जो पोजीशन के चेंज का अपोज करे, वो पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहती, उसी तरीके से किसी भी बॉडी की किसी भी कंडक्टर की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जो करंट को बहने नहीं देना चाहती, फ्लो नहीं होने देना चाहती, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा करंट के मोशन का अपोज करेगा, विरोध करेगा। आप बड़े क्लास में जाएंगे तो एक इसकी उल्टी हेडिंग आपको मिलेगी, कंडक्टेंस। वह अभी आपके कोर्स में नहीं, वो ठीक इसका उल्टा होता है, वो करंट के मोशन का हेल्प करता है बहने में, फ्लो करने में। और जो बॉडी की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जो करंट के मोशन का अपोज करे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आर से। हर जगह इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आर से। इस चैप्टर में आप कहीं पर भी आर लिखे देखेंगे तो क्या मानेंगे इसको? रेजिस्टेंस मानेंगे। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, क्योंकि ओम नामक वैज्ञानिक के आधार पर इसको दिया गया, तो इसका यूनिट हम लोग ओम OHM कहते हैं। और ये इसका सिंबल होता है। रेजिस्टेंस को शुद्ध हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। तो द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाई विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेट इंटरनल प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर आर एंड इट्स यूनिट बी ओम OHM। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, तो यह रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर लोहे के वायर, लोहा की रॉड है और उसमें आप करंट लगा दो, आप उसको टच करो, आपको क्या लगेगा? झटका लगेगा। लेकिन वही चीज आपका प्रेस में भी होता है, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, वह प्रेस के भी इधर वैसा ही एक मेटल होता है, लेकिन उसको आप टच करते हो तो वो गर्म आपको हीट लगता है, लेकिन करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जो आपका मेटल होता है वो नाइक्रोम होता है। बात समझ में आ रही? उससे क्या होता है, उससे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो पाती। वहीं लोहे में रेजिस्टेंस कम होता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती। आपको एक चीज़ बताएं, फार्मूला पढ़े, वी अपन आई इज इक्वल टू आर, यानी कि आई रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां आई कम होगी, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां आई ज्यादा होगी। ये आप ध्यान रखिए, अगर कहीं पर आई ज्यादा है यानी कि वहां का रेजिस्टेंस कम है, और कहीं पर आई कम है तो वहां का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जो प्रेस के आगे का सिरा है वहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती। और वही लोहे के वायर से जब आप टच कराओ, लोहे की रॉड को आप उसको टच करो, तो उसका रेजिस्टेंस कम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट होती है। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस आपका कुछ फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, और वह फैक्टर है, पहला फैक्टर है लेंथ।
अगर आपका यह एक वायर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसी वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा। और जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो क्रॉस सेक्शन है ये इसके क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये केवल आगे का हिस्सा, ये नहीं पूरा एरिया लेने चले, क्रॉस सेक्शन का मतलब आगे का। तो अगर तार आपका मोटा है, चौड़ा, खूब मोटाई वाला केबल का तार, तो जितनी ज़्यादा मोटाई उतना कम रेजिस्टेंस, और अगर तार पतला है तो कम मोटाई रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो आर इक्वल टू एल बाई, साइन हटता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और डिफिनेशन भी देते हैं कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 कर दी जाए, एल की वैल्यू 1, और एरिया भी 1 कर दी जाए, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी कहलाता है, रो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ये साइन आप देख रहे हैं, इस साइन को हम लोग आर एच ओ रो के नाम से जानते हैं। बात समझ आएगी? यह भी किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही होती जिसको रेजिस्टेंस के थ्रू निकाला जाता। और रो क्या होता है? रो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर हुज लेंथ इज 1 meter एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 meter square। रो का फार्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल की वैल्यू लेंथ यदि 1 कर दे और ए यानी एरिया भी अगर 1 कर दे, किसी वायर की लेंथ और एरिया दोनों को यूनिट कर दें, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसे रो से लिखते हैं, और इस रो का जो यूनिट होता है वह होता है ओम मीटर। ध्यान रखना, दूसरा जो टॉपिक आज हमने पढ़ाया, पहला तो ये पढ़ाया रेजिस्टेंस क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ाया कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, और तीसरा हमने आपको बताया कि जो रो है वह रेजिस्टिविटी है जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू निकाली जाती है। किसी भी वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर यूनिट कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं, और रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। बात समझ में आ रही? तो यह आपकी 3 हेडिंग हो गई। अब अगर यूपी बोर्ड के होंगे तो रेजिस्टिविटी पर आपके कोर्स में न्यूमेरिकल भी खूब है। हर प्रकार के मेटल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। लोहे की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, आपके अन्य नाइक्रोम की अलग होगी, टंगस्टन की अलग होगी। तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस को 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं, एक है लेंथ और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके थ्रू एक नया कॉन्स्टेंट आया, नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बारे में हमने बताया कि किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी जब उसकी लेंथ और एरिया को यूनिट कर दिया जाए। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। अब इसके बाद रेजिस्टेंस 2 तरीके से लगाए जाते हैं, एक सीरीज में लगाए जाते हैं और एक पैरेलल लगाए जाते हैं। सीरीज में और पैरेलल में क्या अंतर है इसके बारे में हम आप लोगों को कल बताएंगे। तो अभी आप फिलहाल 3 हेडिंग इसके जाने, आराम से हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। एक हफ्ते में आपका यह चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना।